कॉटन कॉटन नीचे आएंगे ना फिर ऊपर ये आएगा। यूट्यूब पे हमारे जो सबसे बड़ा स्टार होती है आंटी होती है। अब आप रेस्ट करें, सो जाएं। शाबाश शाबाश शाबाश। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज मी फैजा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो अभी तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू व्लॉग अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तो उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज का प्लान क्या है। आज का प्लान ये है कि सबसे पहले तो करनी है जल्दी से ग्रॉसरी करनी है कुंडों के लिए, जो हमारे घर में कल रात को पकेंगे और परसों सब खाएंगे। मुझे घर आते आते टाइम लग जाएगा, वो इसलिए क्योंकि आज मेरा दिल है कि अम्मा को पकड़ कर लेकर जाऊँ अपनी डॉक्टर के, जो मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। आज मुझे उनकी, आज नहीं बल्कि एक हफ्ते से वो मुझे कह रही हैं कि आपका फोर्थ सेशन जो है पीआरपी का, हेयर पीआरपी का, वो रहता है। तो मुझे तो याद ही ना रहता, लेकिन मेरी डॉक्टर इतनी ज़्यादा ऑनेस्ट हैं अपने काम के साथ, इतनी ज़्यादा ऑनेस्ट हैं और इतनी लविंग है कि वो मुझे खुद ही रिमाइंडर दे देती हैं कि आपका जो पीआरपी सेशन है ना अब होना है। हम ग्रॉसरी करने जाएंगे और वहाँ से सीधा मैं उनको लेके भाग जाऊँगी डायरेक्ट डॉक्टर की तरफ, और जाके मैंने डॉक्टर को उनकी स्किन दिखानी है लाजमी। और हाँ, एक और गोल भी सेट किया था कल मैंने कि आज से मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी। तो ये सारे काम करने के बाद एक्सरसाइज तो मैं आज स्टार्ट करूँगी। अच्छा, तो चलें जल्दी से निकलते हैं और ये अपने काम खत्म करते हैं सारे, ताकि जल्दी से वापस आएं और एक्सरसाइज करें। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको अपनी ड्रेस डिटेल। ये जो मेरा कुर्ता है मैंने खुद स्टिच करवाया, इसे खद्दर कहते हैं ना, हाँ खद्दर का ये मैंने कपड़ा लिया और ये मेरे टेलर से मैंने खुद कुर्ता बनवाया है। इसके साथ ये वूल की शॉल ले लेते हैं, सर्दी बहुत है। उसके साथ पहनते हैं ये शूज, ये बैग। तरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एज़ यूजुअल मुझे गाड़ी में बिठा दिया गया है, नीचे भेज दिया गया है, और ख़ुद जो हमारी क्वीन है वो अभी तक नीचे नहीं उतरी हैं। तो वो तब तक मैं आप लोगों से कुछ बात कर लेती हूँ। वो ये है कि मैं बहुत दफ़ा क्लियर कर चुकी हूँ कि जब हम डेली व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, एक तो मेरा कुछ टाइम से इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा और बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी, घर से बाहर निकलो तो कुछ भी अपलोड नहीं होता, और वैसे भी अगर आप डेली का एक व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद जब उसको एंड करते हैं तो रात हो ही जाती है। फिर उसके बाद आपको उसको एडिट करना पड़ता है, एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। एडिट करते हैं, फिर एडिट करने के बाद जब आप उसको अपलोड करते हैं तो सम टाइम वो एक दो घंटे में हो जाता है, और सम टाइम वो काफ़ी देर तक जो है अपलोड नहीं होता। तो जब वो अपलोड होता है तभी पोस्ट किया जाता है। तो यही रीज़न है कि जो व्लॉग हैं वो दो तीन दिन पीछे चल रहे होते हैं। समझ रहे हो? आइए, आपका इंतजार था हमेशा की तरह मुझे गाड़ी में बिठा के, और आप इंतजार कराती हैं। आप सेलिब्रिटी हैं भाई, आप मुझसे ज्यादा सोशल हैं। चलें। अच्छा, तो अभी हम जा रहे हैं ग्रोसरी करने अम्मा जी। ठीक है, कूंडे जो हमने बनाने हैं अभी हम जाते हैं मार्ट, और जो भी सामान हम लोगों को चाहिए वो ले लेते हैं, जो जो हमें मार्ट से लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जाना है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के कारण जाना भाई, के कारण जाना है। तो सानी ए जड़ी छाइयां बढ़िया होइया ना, इसा तकार जाना है। बेटा जी रहन दो, मेरीयां छाइयां ठीक हो जसन। नहीं, अपने मौला की मैंने आपको कसम दी थी कि आपको मौला की कसम है, ठीक है आप मेरे साथ चले। नहीं, मौला की कसम दी थी, आप झूठ ना बोले। मैंने आपको मौला की कसम दे के कहा था आप मेरे साथ जाएंगी, आप मेरे साथ जा रही है। तैयारी आपने नहीं करनी, हम सब ने आपके साथ मिलकर करवानी है। ओ मेरे बगैर कोई तैयारी, बस चुप चुप। नहीं, गजब बेइज्जती है। चलो आगे, मैं बहुत परेशान, बस परेशान हो और मन परेशान ना करो। तुसी आप परेशान होते, इसका मतलब ए नहीं कि दुए बंदे हमें परेशान करने की कोई लोड़ नहीं है। ठीक है पुत्र, जिस तरह तू कहनी हो, एक काम दे मन करन दे ना। चलो आप देखो, आपने अब हामी भरी है, आप देखो मैं कैसे तेजी तेजी में भगाती हूँ। भगाती हूँ आराम आराम से चलाओ। व्हाट्स योर नेम? रूमी। रूमी हाथ भी नहीं लगाने दे रहा। न्यास की सारी ग्रॉसरी कर ली, अब जल्दी से सामान गाड़ी में रखाते हैं और निकलते हैं इस्लामाबाद। ठीक है ना? हाँ जी ठीक। ये कॉटन नीचे आएंगे ना फिर ऊपर ये आएगा। या अली बिस्मिल्लाह की बरकत। चलें जी, अब निकलते हैं, गाड़ी में सामान सारा रखवा दिया है। और ये लो,
मन के दूध देने भी है ठीक उसी तरह जिस तरह आप कुछ भी लेकर आती हैं घर में तो वो बिल इतना हो या इतना हो आप आके दिखाती हैं कि ये लो बिल, जिस तरह आप मुझे बिल दिखाती हो उसी तरह मैं आपको बिल दे रही हूँ। मौला कबूल करे और अल्लाह पाक मजीद तेरे रिजक में इजाफा करे। आमीन आमीन। मेरे नहीं हमारे हमारे का करें, तेरा मेरा कब से सीख लिया आपने। हम तो बस नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान सिर्फ अच्छा, कोशिश कर सकता है कबूल करने की। अल्लाह के नाल अपना जरा नाम ख्याल भी रखो, अपना जरा ताकत आए बोलने की और ताकत दे ताकत आए। ये हाँ, ये अम्मी ने कहा था कि जूस भी ले लो क्योंकि आज सुबह से मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा। जब से मैंने डिसाइड किया ना कि मैंने जिम करनी है क्योंकि खा के ना डबल चिन निकल आई। किसने कहा? मैं कहती हूँ तू इतनी कमजोर हो गई है। कमजोर हूँ? हाँ, वो वैसे मूवी में लग रही है तू मोटी। नहीं मोटी तो मैं नहीं हूँ लेकिन हाँ ये चिन्ह हो गया। वो ये कि मैं तेरी बचपन से ही है, तू बचपन से ही मोटी। मुंह मुझे नहीं सुखा बड़ोखा मुंह चंगा लगना ठीक है सुखा बड़ोखा भाई मेरा मुंह फ्लफी है, फ्लफी। मेरी गले इतनी मोटी मोटी सी थी बचपन में तो अम्मी को ऐसा मुंह। मुझे भी सूखा मुंह नहीं पसंद। बस अम्मी मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज इसलिए कर रही हूँ, डाइटिंग मैं नहीं कर सकती। आपकी बेटी कहाँ छोड़ सकती है खाना पीना? टीके चंगे लगने ते ना मन कोई मसला लगना है। मन चेहरा मोटा मोटा अपनी बच्चिया ना चंगा लगना, परे परे मुंह अमन गुपले गुपले अच्छा जी मुंह मेरा गुपला गुपला ही रहसी। एक्सरसाइज सिर्फ मैं इसलिए कर रही हूँ, आपने भी कहा था कि ताकि मैं थोड़ी फ्रेश रहूं एक्टिव रहूं। एक्सरसाइज तो होनी चाहिए, डॉक्टर भी कह रहा था ना। आपके डॉक्टर ने आपको भी कहा एक्सरसाइज करो? मेरी तो एक्सरसाइज ऐसी होती है ऊपर नीचे सीढ़ियां फिर सौदा लाना काम करना पढ़ना पढ़ाना, मेरी तो एक्सरसाइज इस तरह ही होनी एक्सरसाइज। चलें जी अब निकलते हैं। तो ये मामा ने इसलिए लिए थे क्योंकि मामा का कहना है कि मैं अपना ख्याल नहीं खाने पीने का आजकल रख रही, तेरी वजह से मैं भी जूस पीती हूँ बना के भी तुम देती। तो मैंने इनसे अब कहा है, मैंने कहा आप ख्याल रखोगी तो मैं रखूंगी। हमारे बीच में डील हुई है, मैं बहुत फ्रूट्स और अच्छी हेल्दी डाइट होती थी मेरी लेकिन अब नहीं है। अब जो बस हल्का फुल्का खाना पीना खा लेते हैं। तो ये मुझे कह रही है तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो, ये जो तुम्हें पिंपल्स और ये जो एक्नी आ रही है ना ये वो, तुम अपने फ्रूट्स नहीं खा रही और जूसेस नहीं पी रही। तो मैंने इनसे डील की थी कि अगर आप अपना ख्याल रखेंगी ना तो अब हम अपना रखेंगे। तो खीर का सामान भी ले लिया है और चाट का और पूरियों का और टिक्कियों का वो सारा सामान ले लिया। अब सिर्फ रहती हैं सब्जियां। सब्जियां कल लेंगे दिन में फ्रेश फ्रेश। और कूंडे हमारे घर जो है ना, जो मिट्टी के मेन कूंडे होते हैं वो हमारे हर साल हम लोग नए लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब भी कूंडों के लिए आते हैं तो उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे घर में दस्तखान ही इतने होते हैं कि वो एक एक दो दो करते करते हमारे कूंडे घर के जो है वो खत्म हो जाते हैं। अम्मी बांट देती हैं, अम्मी लोगों को हमारे घर में न्याजें होती हैं, वापसी पे लोग जाते हैं, अम्मी कहती हैं ए लोग कूंडे भी ले जाओ नाल ही। मेरी गल सुन चंदा, इस तरह नहीं कहते, ले जाओ नाल, मौला की न्याज है और मौला बरकत देते हैं। तेरी अम्मी का तो तुझे पता ही है। और कहते हैं कि आज के दिन इमाम के नाम के कुंडे अगर पकाओ तो नए बर्तन लाओ और बेतहाशा मौला रिजक के साथ बर्तन भी देता है। बीबी खदीजा सलामुल्लाह के दौर में उनके सोने चांदी के बर्तन हुआ करते थे, लोग आते थे उनके दस्तखान लगते थे, लोग खाना खाते थे और वो सोने चांदी के बर्तन अपने साथ ले जाया करते थे। तो हम लोगों को भी मौला इतनी तौफीक दे, हम लोगों के मिट्टी के ही बर्तन होते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए। लेकिन ये चीज हम लोगों के अंदर आई है तो वहीं से आई है। मैं अम्मी एतराज नहीं कर रही, माफी देना मुझे आप भी। मेरा मतलब ये था कि हर साल हमारे घर में जो कुंडों के बर्तन है, मैंने आपको कहा था ना मैं एक एक डिटेल आपको बताऊंगी, तो अभी तो हम लोग सिर्फ तैयारी कर रहे हैं ना, तो जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी आप लोगों को बहुत मजा आएगा। मैं सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हम लोग डॉक्टर मदीहा के क्लिनिक आ गए हैं, हम जल्दी से नीचे जाते हैं और फिर देखते हैं कि वो क्या कहती है मामा के लिए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? परफेक्ट, टाइम पे हूँ मैं। मास्क क्यों लगाया हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, वैसे ही लगाया हुआ है, इनडोर तुमने लगा लिया मास्क। डॉक्टर जब तक मसरूफ हैं अपने एक और क्लाइंट के साथ तब तक हम पियेंगे चाय और गजरेला। यहाँ से अंदाजा लगाया मेरी डॉक्टर कितनी ज्यादा
केयरिंग है, बड़ा देखते रहते हैं यूट्यूब पे हमारे जो सबसे बड़ा स्टार होती है आंटी होती है, सैंडविच वगैरह मंगाओ, ये आंटी ने फरमाइश की है मैंने ये आंटी ने फरमाइश की गजरेला की। अरे आंटी ने आप आराम से लें, फिर हम गपशप लगा। आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक खैरियत से। आज ये पीछे पड़ी है या चेहरे चेहरे इनको मैं आज लेकर आई हूँ, बहुत अच्छे देखे इनके आप स्किन देख रही हैं पिगमेंटेशन, तो ये बिल्कुल कहती नहीं मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ, नहीं ठीक आप चले मेरी फेवरेट डॉक्टर के पास। अम्मा तो वैसे भी खूबसूरत है, अम्माओं को किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी ना बेटा के ऑडिशन की कमी वगैरह होगी, मैं अपना ख्याल भी नहीं रखती, बस अब हम ख्याल रखेंगे ना इनको, बस आज मैं जबरदस्ती अभी ये बाहर बैठी हुई कह रही थी कितनी दफा और आना पड़ेगा, मैंने कहा अभी तो आपने चेक नहीं करवाया, आ जाया कर अभी मैंने तीन जगह पढ़ने जाना था तो फिर मैं इतनी थक गई थी, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल लिया करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। हेड पीआरपी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने लगा है, और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं कि आगे भी और भी पहले भी मैं ले चुकी हूँ सेशन, ये मेरा फोर्थ सेशन है। सबसे पहले आपका ब्लड लेते हैं, ब्लड लेकर उसका प्लाज्मा निकलता है, और फिर उसके बाद वो आपकी स्किन में इंजेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लेंगे ब्लड, और जब भी मैं हेयर पीआरपी करवा के घर जाती हूँ तो अम्मा मेरे से पूछती हैं, अम्मा को ना आज तक पता ही नहीं चल रहा कि ये है क्या। अम्मी मुझे बहुत गुस्सा करती थी कि कौन से इंजेक्शन लगवाती हो, मेरे खिलाफ इंजेक्शन के, तो आज अम्मा को लाइव दिखाते हैं कि ये कोई ऐसे वैसे इंजेक्शन नहीं है, ये सिर्फ हेयर फॉल के लिए और हेयर ग्रोथ के लिए होता है। चलो ये बालों का मसला तो है, बालों का मसला तो है ना, मैंने चेहरे को कभी चेंज किया, कभी लगाया टीके चेहरे, कभी कोई सर्जरी करवाई है, इतना मोटा देखे फ्लफी फेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी इतनी मुझे दर्द नहीं हुई जितनी शक्लें आपने बनाई हैं। माँ को तो दर्द होती है। माँ मुझे दर्द नहीं हो रहा माँ। क्या ये फैशन मैशन है ना इस सस्ते? बात तो सही है। ये ट्रीटमेंट से होगा या इसमें कोई क्रीम्स होंगी? क्रीम्स भी दी जाएंगी ऑब्वियसली, स्किन केयर भी दी जाएगी। आपने यहाँ से एक प्रॉमिस करके जाना है कि आपने सन ब्लॉक को लाजमी लगाना है, वो नहीं छोड़ सकते, वरना सारी ट्रीटमेंट्स बेकार हैं। चले ठीक है, कुछ सप्लीमेंट्स भी शुरू करते हैं। और अभी जो डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट बताए हैं उसमें ये होगा कि आपकी फेस के ऊपर इंजेक्शन लगेंगे? और नहीं डॉक्टर आपने थोड़ा सा भी प्रैंक नहीं करने दिया इनके साथ, ये भी कह रही थी इंजेक्शन लगाने लगी हूँ सर में। वीडियो में प्रैंक करके यहाँ से भगा देना आंटी को। मैंने सोचा था मैं इनको ना थोड़ा सा डराऊंगी क्योंकि ये इतनी सख्त खिलाफ है इंजेक्शन और इन चीजों के, तो आप इनको बताएं जो मैं पीआरपी कराती हूँ वो बेसिकली इनकी जुबान में ना थोड़ी आसान जुबान में इनको समझाएं कि वो क्या है, वो इंजेक्शन वो वाले नहीं जो ये समझ रहे ये बोटॉक्स फिलर्स इन चीजों के बहुत खिलाफ है। अच्छा कहती हूँ देखो जो खुदा ने शक्ल बनाई है वो लेनी चाहिए। सही बात है, नहीं शक्ल तो चेंज ही नहीं कर सकते, इन्हीं का ही ब्लड लिया जाता है, उसमें से जो ग्रोथ फैक्टर्स जो ताकत वाली चीजें हैं जो बालों को स्किन को बनाने में हेल्प करती है वही दोबारा लगाई जाती है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि अभी जो फर्स्ट सिटिंग में उनका जो ट्रीटमेंट होना है वो होगा हाइड्रा फेशियल प्लैटिनियम विद केमिकल पील, उसके कुछ टाइम के बाद एक और ट्रीटमेंट है वो आपको उस दिन दिखाऊंगी। तो अभी मामा का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया और मामा इतनी शदीद डरी हुई है, इनको लग रहा है कि पता नहीं इनके साथ हम क्या करने वाले हैं। मामा का जो है हाइड्रा फेशियल स्टार्ट हो गया है। मामा अच्छा फील कर रही हैं आप? डर तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं, जब डर लगना चाहिए ना तब मैं आपको बता दूंगी। नहीं ऐसा कोई तो है नहीं, वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं मामा को तंग करती हूँ। मामा की क्लींजिंग और हाइड्रा फेशियल हो चुका है, अब हम कर रहे हैं केमिकल पील फॉर पिगमेंटेशन। पील ऑफ के बाद अब अम्मा की स्किन पे होने जा रहा है डर्मा प्लानिंग, और एंड में हो रहा है स्प्रे हाइलुरोनिक एसिड रोज वाटर और विटामिन सी का। ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, अब मामा की स्टार्ट होने लगी है फोटोथेरेपी, ये एलईडी लाइट होती है, और अब हम चलते हैं क्योंकि मेरा पीआरपी स्टार्ट होने वाला है। मामा अब आप रेस्ट करें सो जाएं, मेरा पीआरपी स्टार्ट हो रहा है, मैं वहां जा रही हूँ दूसरे रूम में। ओके कितने मिनट? वो आपको आके खुद ही बता देंगे। हेयर पीआरपी मेरा जो है स्टार्ट हो गया है। एक चीज मैं उन लोगों के लिए क्लियर कर दूं जो लोग कहते हैं कि ये बहुत पेनफुल है, तो अभी तक जो मेरे 3 सेशन हुए थे उसमें हम लोगों ने स्प्रे लगा के नम किया था, उसमें भी बेरेबल पेन होता है, इतना ज्यादा नहीं होता,
इस बार हमने थोड़ा चेंज किया, हमने नर्व लॉक किया डॉक्टर, नर्व लॉक कहते हैं, नर्व लॉक किया है। उसमें ये होता है कि आप इंजेक्शन लगाते हैं और आपका ये जो है ये बिल्कुल नम हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी मुझे फील नहीं हो रहा कि थोड़ा सा भी पेन नहीं हो रहा इसमें। जब हमने स्प्रे लगाया था तब एक माइनर सा नीडल जब इंजेक्ट होती है तो फील होता है, वो भी बेरेबल था, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो हमने नर्व लॉक किया है इसमें बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा। आप खुद सोचें, आप लोग मुझे देखें, अगर मुझे पेन हो रहा होता तो मैं इधर इतने आराम से चिल लेट कर, इतने आराम से मैं लेट कर वो कर रही होती, अपना फोर्थ सेशन ले रही होती। और बच्चों के लिए तो स्पेशली अब फोन जाएगा, हम फायदा के बजाय आंटी को फोन करेंगे कि भाई आंटी का सेशन आ रहा है, डॉक्टर ने पार्टी बदल दी है। ये मामा के लिए उसामा ने अंगीठी लगा दी और इस साइड पे हीटर लगा दी कि इनको ठंड ना लगे। अब तो नहीं लग रही अम्मी आपको ठंड? आमीन आमीन। अब ट्रीटमेंट के बाद बारी आती है कुछ पेट पूजा की। मैंने आज ब्रेकफास्ट भी ठीक से नहीं किया था और मैं और अम्मा बाहर आए हुए हैं, तो ये कैसे हो सकता था कि बाहर से कुछ खाए बगैर ही घर चले जाएं। तो हम लोग आए अभी हॉट एंड स्पाइसी और हम लोगों ने ऑर्डर की है, ये है जी पालक पनीर और ये है दाल मखनी और गरम गरम चपाती के साथ खाने का तो अपना ही मजा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार। कैसी है मामा? बहुत मजे किया। चलें जी सामान निकालें। और बाकी मजदूर किधर हैं? बाकी एक मजदूर ऊपर आ रहा है। उसको भी बुलाओ ना, उसको भी बुलाओ। मैं आई एम नॉट मजदूर, सॉरी, ये मेरा काम नहीं है। मजाक कर रही थी, सीरियस नहीं होना, मौला का काम है, मौला के लिए मजदूर भी बन जाएंगे। बिस्मिल्ला या अली मदद। ये देखो ये भी सब। शाबाश 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 शाबाश, ले आओ जी, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, शाबाश जी छोटा मजदूर, बिस्मिल्लाह, शाबाश शाबाश, रखें जी रखें उधर, शाबाश शाबाश शाबाश, चलो चलो, शाबाश शाबाश, आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ। ओहो हो, ओ वाह जी, शाबाश। बस ये लास्ट है, गुड, चलें जी यहाँ रख दो। तो देखा है आप सब ने, न्याज लाने उठाने बनाने और खिलाने और फिर बर्तन धोने तक के सारे काम हम लोग खुद करते हैं। वैसे नॉर्मली भी हमारे घर का बच्चा बच्चा और हम सब अपने काम खुद ही करते हैं, ये शुरू से अम्मा ने हमें आदत डाली हुई है, लेकिन न्याज बनाने की आदत तो और ही है ना। अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए, मामा का ट्रीटमेंट भी हो गया, मेरा हेयर PRP भी हो गया और कुंडों की ग्रोसरी भी हो गई, लेकिन 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 एक काम नहीं हो सका, वो है मेरी एक्सरसाइज। तो उसका सीन कुछ ये है कि मैंने जाना था लेकिन घर आते आते हमें अभी 11 बज गए, तो अब तो एक्सरसाइज का कोई टाइम नहीं रहा, प्लस कल न्याज बनानी होगी, परसों न्याज खिलानी होगी, फिर उसके बाद अब मैं रेस्ट करूंगी। तो अम्मा ने कहा बेटा जहां इतना एक साल एक्सरसाइज नहीं की वहां मेरी त्रै दिहाड़े और ना कर ले, तो तीन दिन से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये मौला का काम है, मैं बिजी होंगी, गेस्ट आएंगे, न्याज बनेगी और फिर एक दिन बीच में रेस्ट का भी चाहिए होगा। बस ये दो दिन न्याज के हो जाएं बनाने और खिलाने के दिन से, उसके बाद से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज मैं करती अगर मैं टाइम से आ जाती, सारे काम हुए हैं सिवाय इस एक काम के, और इस एक काम का बहुत बड़ा रीजन था जो ये काम नहीं हो सका। तो दो दिन बाद इंशाल्लाह सारे गोल्स जो हैं वो अपने सेट करेंगे। अभी इस ब्लॉग को मैं करती हूँ खत्म, आप सब रखें अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में रखें मुझे याद, फिर मिलेंगे कुंडों वाले न्याज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।